कारवां ने इत्तेहाद व भाईचारा को कायम रखने, विरासत की हिफाजत को लेकर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम का आयोजन रामनगर अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष तबरेज आलम के नेतृत्व में रामनगर नरकटियागंज रोड में मोगल मॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जामा खान, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार, एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर, एमएलसी भीष्म सहनी, जेडीयू बेतिया जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा, अनिशुर रहमान समेत जेडीयू अन्य नेताओं के उपस्थिति में हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को कायम करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्रियाकलाप, अल्पसंख्यकों और गरीबों के विकास, लाभकारी योजनाओं से बिहार को विकास की गति देने पर चर्चा की गई। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ये कार्यक्रम करवाने इत्तेहाद व भाईचारा के तहत कार्यक्रम किया गया, क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में? जी, ये कार्यक्रम के संयोजक हैं एमएलसी खालिद अनवर साहब, और इसमें मुख्य अतिथि आए हुए थे मौलाना अनिशुर रहमान साहब, वो बिहार के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जमा खान साहब। ये खालिद साहब के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसमें भाईचारा हेतु, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि लोगों में जो दूरियां हैं वो नज़दीकियां में बदले। इस प्रोग्राम में माननीय जिला अध्यक्ष एमएलसी भीष्म सहनी आए हुए थे, और मौलाना रिजवान साहब, शेख औरंगजेब साहब और जनाब रैफुल आजम खान साहब, और भी बहुत सारे नेतागण मौजूद थे।